किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ए दोस्त, दिल की बातों को कभी छुपाना नहीं, किसी गरीब के सब्र को कभी आजमाना नहीं, वो मदद के बदले हजारों दुआएं देता है, किसी गरीब की मदद करने से कभी कतराना नहीं। हेलो दोस्तों, मैं अब से स्वागत करता हूँ TSF क्लास के छोटे से परिवार में। आज की जो हमारी कहानी होगी, ये कहानी हमारे छोटी सी कहानी होगी जो हमारे खुशी के ऊपर है। खुशी यानी कि हमारी जो अपनी खुशी होती है, अपनी अंदर की खुशी होती है, क्या होती है असली खुशी, इसी खुशी को बयां करती है कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी सी कहानी को। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी, अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी है हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक शर्मा जी की। शर्मा जी जो पैसे से बहुत ज़्यादा धनी थे, व्यक्ति थे, यानी उनके पास बहुत सारा धन हुआ करता था, लेकिन उनके अंदर क्या थी तो थोड़ी सी एक लोभ की भावना रहती थी। एक बार हुआ क्या, उनके पास एक स्कूटी थी, प्लेजर, ठीक है, तो उस स्कूटी को वो बेचना चाहते थे। एक्चुअली वो स्कूटी तो थी नहीं, लेकिन वो नई स्कूटी होने के साथ साथ वो घर में पड़ी रहती थी, यानी उसका कोई यूज नहीं होता था, तो वो चाहते थे कि उस स्कूटी को वो क्या कर दे, बेच दे, ताकि उनको उससे कुछ पैसे मिल जाए। उन्होंने किया भी ऐसा ही, उन्होंने इस स्कूटी का, प्लेजर स्कूटी का जो इजहार था, उन्होंने डाल दिया रोलेक्स पे, और उसकी रेट को उन्होंने फिक्स किया 30,000, यानी 30,000 रुपये। देखते ही देखते बहुत जल्द लोगों के फ़ोन आने लगे उनके पास उस स्कूटी खरीदने के लिए। लोग 18,000 से लेकर 28,000 तक के बोली को बोलते थे, यानी लोग 18,000 से लेकर 28,000 रुपये उनको देने को तैयार थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही बात होती थी कि अगर सामने वाला 18,000 रुपये दे रहा है तो अब जाके कोई अगला आके 30,000 रुपये भी दे देगा। इसी लोभ से, ताकि 18,000 से बढ़ के 28,000 तक जाए, ठीक है, 28,000 को उन्होंने रोक लिया था, कई लोगों का फ़ोन आया 28,000, उनको भी उन्होंने बेचा नहीं, और उनके अंदर लोभ थी कि अगला तो आएगा जो 30,000 देगा, और उनके पास एक कॉल भी आया 29,000 का, उन्होंने उसको भी वेटिंग लिस्ट में रख दिया। इंतज़ार करते थे कि काश आगे कोई 30,000 का आएगा। हुआ, एक उनके पास कॉल आया, उस फ़ोन को उन्होंने उठाया, वो फ़ोन किसी गरीब का फ़ोन था, और जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने उस फ़ोन को जवाब दिया, तो उधर से आती है सामने से आवाज़, साहब नमस्कार, मैंने आपका इश्तहार देखा था ओलेक्स पे, मैं आपकी स्कूटी ख़रीदना चाहता हूँ, मेरा बेटा जो IAS की तैयारी करता है वो कोचिंग जाता है, उसके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोचिंग यहाँ से दूर है, तो कभी दोस्तों के साथ, कभी किसी से लिफ्ट मांग कर, कभी पैदल ही कोचिंग जाता था, जिसके लिए बहुत परेशानी होती है साहब, मैं चाहता हूँ मैं एक स्कूटी ख़रीद के अपने बेटे को गिफ्ट करूं, लेकिन साहब मैंने नए स्कूटी के बारे में पता किया था, वो इस दाम से दुगनी कीमत से भी अधिक कीमती है, और मेरे पास साहब उतने पैसे नहीं हैं, मैंने किसी तरह से मजदूरी करके दिन रात पैसे इकट्ठे करके 24,000 रुपये इकट्ठा किए हैं, और साहब मैं चाहता हूं मैं आपकी स्कूटी को खरीदूं, पर साहब एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी स्कूटी को किसी को बेचिएगा, मैं आपको 30,000 रुपये पूरे दे दूंगा, आज मेरे पास 24,000 रुपये हैं, कल मैं अपने मोबाइल को बेच दूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे और भी कुछ पैसे अगर कम पड़ते हैं वो पैसे लाकर मैं आपको दे दूंगा, पर किसी को आप स्कूटी बेचना मत, प्लीज़ साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। शर्मा जी ने बातें सुना और उसी वेग में बढ़ते हुए उन्होंने हाँ में जवाब दे दिया और उन्होंने फ़ोन को काट दिया। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से शर्मा जी के मन में बात आई, उन्होंने दोबारा उस नंबर पर कॉल बैक किया और कॉल बैक करके उस आदमी से पूछा, आप स्कूटी लेना चाहते हो ना? उस आदमी ने कहा, हाँ साहब हमें स्कूटी चाहिए, मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसको स्कूटी लाकर दूंगा। तो शर्मा जी ने कहा, ऐसा करना, आप अपने पास जो 24,000 रुपये है वही लेके मेरे पास आ जाना, मैं आपको स्कूटी दे दूंगा, आपको फ़ोन बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारे उस इंसान को शायद विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 30,000 रेट पड़ने के बाद ये कैसे 24,000 में दे देते हैं। उसने पूछा, साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना गरीब के साथ? उन्होंने कहा, नहीं, कल सुबह आप आना और आके अपनी स्कूटी अपने साथ ले जाना। अगले दिन उस इंसान ने फिर से फ़ोन किया, साहब मैं आऊँ ना? आप सच बोल रहे हैं ना, आप स्कूटी बेचेंगे ना? आप कुछ मजाक तो नहीं कर रहे हैं साहब? मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैंने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा किए हैं, मैं अकेले आऊँ कि अपने बेटे को लेकर आऊँ? उस इंसान ने कहा, आप अपने बेटे को लेकर आइएगा। और वो दोनों बहुत खुशी खुशी उस स्कूटी को लेने चले गए।
शर्मा जी के मन में भी यही भाव आ रहे थे। उनको अंदर से खुशी हो रही थी ये सोचकर कि आज ये स्कूटी उनके घर जाएगी तो उनके घर कितनी खुशियाँ आएंगी, उनका परिवार कितना खुश होगा इस स्कूटी को लेकर। मेरे लिए स्कूटी तो मात्र एक पैसे का साधन था, पर उनके लिए स्कूटी सब कुछ होगा उनका। और अगले दिन जब वो इंसान आता है पैसे लेकर, उसी तरह नोटे थे, कुछ 500 के नोट, कुछ 200 के, कुछ 100 के, कुछ 20 के, कुछ 10 के, कुछ 5 के, जैसे ऐसा लगता था कि इंसान ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे मांगे हो या कैसे कैसे करके उस पैसे को इकट्ठा किया हो। उन्होंने पूरे पैसे उठाकर गिन के शर्मा जी को दे दिए और कहा, साहब पैसे गिन लीजिए, पूरे 24,000 हैं। शर्मा जी ने कहा, आपने गिन लिया तो पैसे पूरे होंगे, ये लीजिए स्कूटी की चाबी और गाड़ी का कागज, आप इस स्कूटी को लेकर जा सकते हैं। वो लड़का चाबी लेकर अपने अंदर से रुमाल, पैकेट से रुमाल निकाल कर बड़े ही प्यार से स्कूटी को पोंछने लगा, साफ करने लगा। जैसे उसके अंदर जो खुशी थी ना, उसको देखकर शर्मा जी के आंखों में आंसू आ गए थे कि ये स्कूटी उसके लिए क्या मायने रखती है, वो उन्होंने देख लिया था। शर्मा जी ने अपने पैकेट से उसी नोटों में से 500 रुपये निकाल कर उस इंसान को दिया और कहा, ये रख लीजिए, जाइए घर पे जाते वक्त मिठाई लेते जाइए। शर्मा जी का मन था, शर्मा जी यही चाहते थे, मन में सोचा पता नहीं इन इंसान के पास अब गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसे भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, इन 500 रुपये से वो तेल भी भरा लेगा और घर पर कुछ मिठाई भी लेकर चला जाएगा। ये सोचकर उन्होंने 500 रुपये उसको दे दिए। वो इंसान रोते हुए शर्मा जी का आभार प्रकट करते हुए स्कूटी लेकर वहाँ से चला गया। अब शर्मा जी को एहसास हुआ, शर्मा जी खुश थे, उन्हें उस दौलत से कोई मतलब नहीं था कि उन्हें कितना दौलत मिला, क्योंकि वो 29,000 रुपये मिलने पर भी खुश नहीं थे, लेकिन यहाँ पे 24,000 रुपये भी उनको इतनी खुशी दे गई कि अगर वो इस समय वो पूरे पैसे भी उनको वापस दे देते फिर भी उनकी खुशी कम नहीं। तो दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, कई बार हम मान लेते हैं कि पैसे ही सब कुछ होता है, पैसों से ही खुशियाँ मिलती हैं, पर ये बात सच नहीं है। खुशियाँ पैसों से कभी नहीं मिलती बाबू, खुशियाँ तो आपको तब मिलेंगी ना जब आप किसी की मदद करोगे। कभी किसी की मदद करके देखना, वो जो खुशी मिलती है ना वो खुशी बहुत बड़ी होती है। आप अपने द्वारा किसी की मदद करो, हाँ मदद करना, लेकिन कभी जताना नहीं कि आपने उसकी मदद किया। कहा जाता है ना, मदद ऐसे करो कि अगर बाएं हाथ से करते हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि आपने मदद किया है। तो ऐसे मदद करो, उसके बाद देखो, आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मन खुश होगा और आप सोच सोच कर ही बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करोगे। तो असली खुशी किसी की मदद करने में है, ना कि पैसे कमाने में। तो आज की छोटी सी कहानी बस यही इतनी सी, जो हमें ये सीख देकर जाती है कि हमें अगर ज़िंदगी में खुश रखना है तो पैसों से ज़्यादा दूसरे को महत्व देना चाहिए, कि दूसरे को हम कैसे मदद कर सकें। दूसरे की मदद करना ही असली खुशी है। थैंक यू।